अरे भैया वो सड़िया पी रहा हो। दिखा ये दाई तो इधर इस पर चल रहा है ये सामान। बॉल लगा है एक डिब्बा दीजिए मुझे इतना ये देखो कोई टॉफी वाला जो बड़ा वाला आता है ले देखा होगा लिस्ट और अभी इस जगह पे वो साहब यहाँ पर बैठा हुआ है जो कि उस कोने पे है वहाँ पे शायद वो घोड़ा पछाड़ लग रहा है देखने में। वो देखिए मुंह निकाल के दिखा रहा है और आइए देखते हैं कि उसका रेस्क्यू कैसे होता। रबे डब्बा देख कौन से लाएंगे कहाँ डिब्बा वो ले लाए ना कूला था ले यार ले डिब्बा बहुत खराब बहुत खराब वहां नीचे नहीं बोल रहा है मोन जाए काटू सब का पकड़े हैं ना नहीं कहीं से पगला का अरे ओम कौन है चीन का वो से और ये आप देख सकते हैं कुछ ये और पकड़ा।
डिब्बा ढक्कन मांग ये रखा है और जैसा कि आपने देखा अभी मैंने इंडियन रेड स्नेक का रेस्क्यू कर लिया, आइए देखते हैं कि इसका रिलीज कैसे होगा। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं इनकी टर्जन, अभी मुझे एक कॉल आ गया जो कि हर्षित जी का, यहाँ पे झूसी में अनवर मार्केट के अंदर इनका घर है और मैंने रेस्क्यू कर लिया है। रेड स्नेक बहुत ही प्यारा साबे से गांव में घोड़ा बचारो धामन के नाम से जानते हैं। मैंने सारे डिब्बे में छेद कर दिया है और आइए देखते हैं कि इसका रिलीज कैसे होता है। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि अभी मैंने इसको हर्षित जी के यहाँ से रेस्क्यू किया, वहीं झूसी से। बहुत ही प्यारा है रेड स्नेक, हमारे घरों में रास्ता भटक के आ जाता है और बिल्कुल भी जहला नहीं होता। ये चूहे छिपकली मेढक खाता है और अपनी दुनिया में बहुत मस्त रहता है। लोग इसे अक्सर बड़ा समझ के, बहुत ज़्यादा जहरीला समझ के और इसे इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा समझ के जान से मार देते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि सांप को जब मारते हैं, जब लोग तो उसको जब नाक को मारते हैं, नागिन को, तो उसकी आंखें फोड़ देते हैं, उसको पेट्रोल डाल के जला देते हैं। कहते हैं कि उसका जो आँखी में फ़ोटो ले लिया है तो अब जब उसकी फीमेल या तो जो उसका मेल आएगा उसी आँखी में देखेगा फिर वो बदला लेगा। सिर्फ ऐसा कहानियों और पिक्चर में ही ऐसा होता है, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। सांप बहुत ही प्यारे होते हैं, हमारे घरों में आ जाते हैं, रास्ता भटक के इन्हें जान से ना मारें। हमारी इन्वायरमेंट और नेचर के लिए इनका रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसे किसान मित्र भी बोलते हैं। लोग सोच रहे होंगे इसे किसान मित्र क्यों बोलते हैं, तो दोस्तों जब किसान खेती करता तो उसके खेत में बहुत सारे कीड़े मकोड़े सब आ जाते हैं, उनके खेत को बर्बाद करते हैं, फसल को सब खराब करते हैं। तो ये चूहे छिपकली मेढक खा के उनकी फसल की रक्षा करता है। दोस्तों ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं है, रेड स्नेक है। इसे गांव में घोड़ा बछार और दामन के नाम से जानते हैं। अगर आप मेरे फेसबुक पेज तक आप आ गए हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर आप मेरे अपने हैं और दोस्तों ज़रूर आप एक फॉलो कर लीजिएगा मुझे और आइकन बेल, एक छोटा सा बेल होगा उसे ऑन कर लीजिएगा जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे कुछ अपने हों, मेरे दिल के कुछ करीब रहने वाले दोस्त हैं, मित्र हैं, मेरी बहन, मेरी सिस्टर, मेरे भाई से एक रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो जो अभी देख रहे हैं आप इसे ज़रूर शेयर करिएगा, लोगों तक पता चले कि घोड़ा पछार, रेड स्नेक और धामन जैसा सांप जहरीला नहीं होता है। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा है, देर ना करते इस खूबसूरत से जंगल में इसे हम रिलीज़ करेंगे, चलेंगे हम अपने घर। आइए देखते हैं कि इसका रिलीज़ कैसे होता है। जैसा कि आपने देखा अपनी मंजिल को रवाना हो गया रेड स्नेक। ओके फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।